वीडियो में हम लोग कंसाइज मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर जो 5B दिया हुआ है ये हम लोग आज शुरू करेंगे, ठीक है। दूसरी दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो केवल इस बुक को ही फॉलो करते हुए बनाता हूँ, ठीक है। मैं आपको इस बुक के बाहर कुछ एग्जाम्पल भले ही दे दूं बट मेरा फोकस हमेशा इस बुक के हर टॉपिक वाइज ही होता है। जैसे अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ाऊंगा तो मैं इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा जो इस बुक में दिया हुआ है। टू एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि आपको एग्जाम को अच्छे से क्लियर करने के लिए ये बुक पहले पता होनी चाहिए। ये बुक आपको क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको दुनिया भर से आप पढ़ के आएँ लेकिन आपको जब बुक पढ़ें तो आपको समझ में ना आए कि यार ये मेरी बुक में किधर लिखा है। तो इसलिए मेरा फोकस हमेशा इस बुक ही रहेगा। इसमें चाहे जो भी टॉपिक हो, जो भी क्वेश्चंस हो, इवन एग्जाम्पल, मैं वो सारा इस बुक का ही बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 16 है तो ये मैं 16 एग्जाम्पल भी आपको बताऊँगा। तो ये मेरा अप्रोच रहता है थ्रू आउट फॉर कंसाइज मैथमेटिक्स और कंसाइज फिजिक्स बुक दोनों के लिए, ठीक है। तो ये अप्रोच मेरा रहता है। आई मीन कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे तो आई जस्ट वॉन्ट टू रिप्लाई टू दोस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विद इन ब्रैकेट एक्स प्लस 1 एंड अनदर ब्रैकेट 2x प्लस 8 इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट एक्स प्लस 7 एंड अनदर ब्रैकेट एक्स प्लस 3। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन 11 है एक्स प्लस 1 विद इन अ ब्रैकेट एंड 2x प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 एंड एक्स प्लस 3, राइट। सो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। वी नीड टू सॉल्व दिस ब्रैकेट। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा? रिमेंबर माई केस नंबर 1, जब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ट्रिक्स बता रहा था, तो उसमें फैक्टराइजेशन मेथड में जो पहला केस था वेयर इट वॉज रिटन क्लियर ऑल फ्रैक्शंस, टू फ्रैक्शंस तो है नहीं बट ब्रैकेट्स है, तो सबसे पहले अपने को ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, राइट। सो चलिए ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो पहले इस एक्स को इस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस एक्स को इस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे, पहले इस x को x से और x को 3 से, देन 7 को x से एंड देन 7 को 3 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप फिर से हमारी क्वेश्चन देखेंगे जो केस नंबर 2 में मैंने बताया था कि ट्रांसपोज ऑल द टर्म, जितने भी टर्म है उन सबको कहाँ कहाँ लाएंगे? उन सबको हम लोग लेफ्ट साइड पे लाएंगे और उसको इस इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इन जो भी सॉल्व करेंगे ये जो राइट साइड पे आएगा इसको पूरा उठा के लेफ्ट साइड पे डालेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे उसके बाद? पुट ईच फैक्टर इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये जितना भी आता है इसको जीरो के इक्विवेलेंट करेंगे और लास्ट में हम लोग जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, जो मैंने एक्सप्लेन किया था एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 अगर एग्जाम्पल की तरह इज इक्वल टू जीरो है तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 एंड ऑल, वो जो कंडीशन बताई थी वो यहाँ पे लगाएंगे। एंड दिस इज द सो दीज आर द स्टेप्स टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ ए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब एक एक केस लगाते हैं और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो दिस विल बिकम एक्स एंड 2x, दिस विल बिकम यहां पे मैं लिखता हूं 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2x प्लस 8, ठीक है। x और x 2x स्क्वायर, x और 8 8x, 1 और 2x 2x एंड 1 और 8 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x प्लस 21। कैसे आया? x और x एक्स स्क्वायर, x और 3 3x, 7 और x 7x एंड 7 इंटू 3 21।
ठीक है, ये हो गया मेरा पहला पहला केस। दूसरा, ये जितना भी है ना इसको लेफ्ट राइट पे लाओ, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2x प्लस 8, फिर x स्क्वायर को इधर लाया तो क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x माइनस 21 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं, मैं इसको धीमे धीमे सॉल्व करता हूं सो दैट आपको समझ में आए। 2x स्क्वायर और x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, x के टर्म देखे, एक x का टर्म ये है, एक x का टर्म ये है। ठीक है, मैं इसको दो लाइन से बनाता हूं, और ये एक x का टर्म है और एक ये x का टर्म है। तो 8 प्लस 2 10x पॉजिटिव में, मैं यहां पे लिखता हूं आपके समझने के लिए, और माइनस 3 और माइनस 7 अगेन ये हो जाता माइनस 10x। ठीक है, तो हम लोग क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं करके दिखाता हूं। पहले ये हो जाता है 10x और ये सॉल्व हो जाएगा माइनस 10x। ठीक, अब आता है न्यूमेरिकल वाला, न्यूमेरिक वैल्यू, तो एक हो जाएगा 8 और एक है माइनस 21, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 13 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन थोड़ी अलग अलग लिखी है, बट आप ये मान के चलिए एक इक्वेशन है, ये समझाने के लिए मैंने किया था। अब यहाँ पे ये और ये कट गया तो आपका क्या बचता है, एक्स स्क्वायर माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सिंपल, समझ में आया। अब अपने को एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब जरा याद करिए, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो हम लोग यहां पे लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं? सोचिए, एक फॉर्मूला मेरे को याद आ रहा है, बट उसको लगाने से पहले कुछ और चीजें करनी पड़ेंगी। फॉर्मूला मेरे को याद आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये पार्ट तो मिल रहा है लेकिन ये पार्ट नहीं मिल रहा यार। अब किसी भी तरीके से अगर ये बी स्क्वायर इसको बना दें तो कुछ काम बन सकता है, बट ये ऐसा तो है नहीं कि 5 5 25 2 2 4 या ऐसा कुछ करके एग्जैक्ट यही नंबर आ जाए कुछ मल्टीप्लाई करके, आई मीन आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर रूट, तो वैसा नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा उंगली टेढ़ा करना पड़ेगा, तो उसके लिए इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, अगर 13 को मैं ऐसे लिख दूं स्क्वायर रूट ऑफ 13 और इसका होल का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 13 का होल का स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ, ये 13 ही तो हुआ ना। लेकिन ऐसा करने से मेरे को क्या फायदा हुआ, मेरा ये मैच कर गया मेरे फॉर्मूले से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, बस काम बन गया। ठीक है, ये मेरा मैच कर गया, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में ए क्या है, ए हो गया मेरा एक्स स्क्वायर और बी क्या है मेरा, बी है मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 13। ठीक है, अब बस इसको हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो दिस विल बिकम एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 एक, और दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 एंड दैट इज इक्वल टू 0। बस सॉल्व, आगे का तो आपको पता ही है। तो एक क्या हो जाएगा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13, और दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13, और ये हो जाता है मेरा आंसर। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाती है, मैं एक बार लिख देता हूँ, x की एक वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 13 और दूसरी हो जाएगी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या था, पहला ट्रिक तो एक्चुअली इसमें कई सारे ट्रिक लग गए, पहला ट्रिक तो था कि आपको जो फैक्टराइजेशन का तरीका था उस तरीके से आपको सॉल्व करना था, आपको ब्रैकेट सॉल्व करना था, आपको मल्टीप्लाई करना था, सबको लेफ्ट साइड पे लाना था,
उसके बाद जो इक्वेशन बनी थी उसको सोचना था कि किस फॉर्मूले में फिट होता है वो, और उसको कन्वर्ट किया मैंने, ये जो था ना ये जो स्टार बनाया मैंने, ये एक मैंने कन्वर्ट किया अपने फॉर्मूले के हिसाब से, जो मेरा फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद जा कर के मेरा क्वेश्चन सॉल्व होने की कगार पे था। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ध्यान दीजिएगा मैंने कैसे सॉल्व किया। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 11।